यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूपी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उपजा जिन्ना विवाद इन दिनों सुर्खियों में है और अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें देश का दुश्मन बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन्ना विवादित व्यक्ति है, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। जिन्ना ने देश को बांटा है, इसलिए देश के दुश्मनों का नाम नहीं लेना चाहिए। वहीं स्पा के नफीस अहमद ने जिन्ना की तारीफ करते हुए कहा कि जिन्ना ने नेहरू, गांधी और अम्बेडकर के साथ काम किया है और आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार को विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित बताया और वहीं सपा विधायक ने इस मीटिंग को औचित्यहीन करार दिया। हालांकि इस बैठक में साल 2018 से 19 के लिए 60,430 लाख रुपया अनुमोदित किया गया था। ये चीजें क्योंकि जिन्ना की एक जिन्ना ही की नहीं, तमाम ऐसे लोगों की वहां पर जो लोग वहाँ पर लाइफ मेंबर हैं स्टूडेंट यूनियन के, उनकी फ़ोटो लगी, उसमें एक जिन्ना की भी लगी हुई है। लेकिन जिन्ना की फ़ोटो हटाना है, पार्लियामेंट में भी हटा दें और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हट जाए। मैं देश के दुश्मन की चर्चा नहीं करता, मैं देश की चर्चा करता। जिन्ना देश के दुश्मन थे, उनकी जिन्ना का नाम भी मैं लेना उचित नहीं समझता। जो देश का विभाजन किया उसके बारे में कोई चर्चा करना मैं उचित नहीं मानता।